हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एप्लीकेशन जो परीक्षा में आती आती ही हैं और बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, उनको मैं आपको बताऊँगा। यदि आपने मेरा पहला वीडियो एप्लीकेशन से संबंधित नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे मैं उसकी भी लिंक डाल दूंगा, तो आप मेरे पहले वीडियो में जो एप्लीकेशन है उनको भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी परीक्षा में आती ही हैं। आप इतने एप्लीकेशन याद कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, परीक्षा में निश्चित ही आ ही जाएगी। आप यदि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जल्दी से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको परीक्षा उपयोगी अन्य वीडियो आसानी से मिल सके, पहुंच सके। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, लाइक और सब्सक्राइब पहले कर लीजिए आप सभी। ओके, आपने कर लिया होगा। चलिए, अब हम ये सभी कक्षाओं के लिए एप्लीकेशन है, चाहे जिस क्लास में विद्यार्थी हो उन सभी के लिए ये एप्लीकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, अब हम पहला एप्लीकेशन जो कई बार परीक्षा में आ चुका है उसको हम देखते हैं। बहुत ही सरल है, आप आसानी से आपसे बन जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। Write an application to your principal to grant you leave for 3 days due to illness. आप बीमार हो गए हैं तो अपने प्राचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दीजिए। कभी कभी आप जो क्वेश्चन है इस तरह से हो सकता है कि यू आर राकेश द्विवेदी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंडला। Write an application, इस तरह से विद्यार्थी का नाम और स्कूल का नाम भी दे दिया करता है। तो यदि क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया है तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर की जगह टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंडला कर दीजिएगा। जहाँ जो भी आए, मंडला, इंदौर, झाबुआ, जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसको आप वहीं से देख करके लिख दीजिएगा। और यदि विद्यार्थी का नाम दिया है राकेश द्विवेदी तो यहाँ जो एक्स वाई जेड लिखा है तो एक्स वाई जेड की जगह राकेश द्विवेदी लिख दीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस। नाउ सी द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना MP सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इन योर स्कूल। आप जिस कक्षा में पढ़ते हो यहाँ वह कक्षा लिख लीजिएगा। जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यदि 10th में है तो 10th, 11th में है तो 11th, 12th में है तो 12th, 9th में है तो 9th, जिस क्लास में आप पढ़ते हो वो क्लास लिख लीजिए यहाँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्राम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे कल रात से बुखार आ गया है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्राम 3rd March to 5th March 2020। कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी 3 मार्च से 5 मार्च तक प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ डेट 3 मार्च मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4 फरवरी, 2 दिसंबर, 3 दिन हो जाए बस हो गया, इतना करिएगा। आप अपने पसंद से कोई भी डेट यहाँ लिख दीजिए। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी 6XYZ। यदि नाम क्वेश्चन में है तो आप यहाँ नाम लिख दीजिएगा, और फिर ये डेट है 2nd March 2020, 3 मार्च से चाहिए थी छुट्टी, इसलिए 2 मार्च को हमने आवेदन ही दे दिया था, इसलिए 1 दिन पहले का यहाँ डेट दी हुई है। आप यहाँ भी अपने मनपसंद की डेट लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये एकदम आसान है एप्लीकेशन। आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके इस एप्लीकेशन को लिख लीजिए पहले।
वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए या फिर कॉपी पेन लेकर के इस एप्लीकेशन को लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया होगा। अब हम दूसरे एप्लीकेशन पर चलते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क। आपको आवश्यक काम पड़ गया है इसलिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र 3 दिन की छुट्टी के लिए दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके घर में काम है, आवश्यक काम है। जैसा आपने ऊपर देखा ठीक उसी तरह ये भी एप्लीकेशन है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना MP। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, कुछ भी चेंज नहीं है अभी। रिस्पेक्टेड सर, वही है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। यहाँ चारों कक्षा दी हैं, आप जिस कक्षा को हो लिख दें। इन योर स्कूल आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। अब यहाँ पास आपको चेंज करना है, केवल कितना चेंज करना है आपको, ये लाइन केवल आपको चेंज करनी है बस। ऊपर अलग थी, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी फिर सब टोटल सेम है। तो आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, इतना आपको याद करना है बस। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल। मेरे घर में आवश्यक काम है इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 3rd March टू 5th March 2020। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली नाम XYZ 2 March 2020। यहाँ स्कूल का नाम और विद्यार्थी का नाम यदि क्वेश्चन में है तो आप वही लिखिएगा जो क्वेश्चन में होगा। इस वीडियो को भी आप पॉज कर लीजिए और रोक करके इसको भी आप कॉपी पेन ले करके लिख जरूर लीजिए। आप इसको लिख लें। ओके, आपने लिख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days ड्यू टू अटेंड द ब्रदर्स सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी। ये लेटर में भी आता है और एप्लीकेशन में भी पूछा गया, इसलिए मैंने एप्लीकेशन में भी इसको आपको बता दिया है कि यदि क्वेश्चन में एप्लीकेशन के रूप में आए तो आप किस तरह से लिखिएगा। ये भी बिल्कुल सरल है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, बस एक लाइन आप चेंज करेंगे, आपसे ये भी एप्लीकेशन बनने लगेगी। चलिए देखिएगा। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना MP। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, वही है, टू अटेंड द ब्रदर्स सिस्टर्स मैरिज। अब यहाँ एक आएगा, या तो ब्रदर का के लिए आएगा या सिस्टर के लिए, तो आप यहाँ केवल एक लिखिएगा, टू अटेंड द सिस्टर्स मैरिज। यदि सिस्टर्स का पूछता है, ब्रदर्स का पूछता है, तो टू अटेंड द ब्रदर्स मैरिज। ओके, और टू अटेंड द आप यहाँ क्वेश्चन से ही देख सकते हैं, ये लिखा है टू अटेंड द ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। फिर देखिए, रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास जो भी आपका हो 9th इन योर स्कूल। आई हैव टू अटेंड द, अब जैसे एक लाइन केवल थोड़ा सा चेंज करना है आपको बस। वहाँ आई हैव एन अर्जेंट वर्क था और यहाँ हो जाएगा आई हैव टू अटेंड द ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी या आई हैव टू अटेंड द सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 3rd March टू 5th March 2020। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली XYZ 2nd March 2020। तो इसमें भी केवल एक लाइन आपको याद करनी है बस, इसके अलावा सेम एप्लीकेशन है। अब चलिए, ये बेहद इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, यू आर काजल तिवारी, यहाँ कोई भी नाम दे सकता है, रमेश
शर्मा, दीपांजलि द्विवेदी, महेश ठाकरे, जो भी हो वो नाम रहेगा आपको, वही नाम एक्स वाई जेड जहाँ लिखा था वहाँ आपको लिखना है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर, यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर लिखा है, इंदौर लिख सकता है, मंडला लिख सकता है, जो भी लिखा हो आपको वही फिर लिखना है। सतना एमपी, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी भोपाल, रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन। अब देखिए एप्लीकेशन इतना बड़ा है, आपको एप्लीकेशन दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन डुप्लीकेट मार्कशीट आप केवल देख लीजिए क्या देखना है आपको, ये चीज़ देखना है डुप्लीकेट मार्कशीट। यदि क्वेश्चन किसी भी तरह से कहो डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट देख लीजिए और मार्कशीट देख लीजिए। यदि डुप्लीकेट मार्कशीट लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि यही है और इसी तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस। अब देखिए इस तरह से आंसर यहाँ से चालू होता है, द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल एमपी, सब्जेक्ट रिगार्डिंग डुप्लीकेट मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन, दसवीं क्लास की डुप्लीकेट मार्कशीट के संदर्भ में। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेक टू से दैट, इतना उसी में है, आई एम काजल तिवारी, यहाँ काजल तिवारी की जगह जो परीक्षा में नाम दिया हो वो आप लिख दीजिएगा, आई एम काजल तिवारी या स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर, मैहर की जगह यदि इंदौर देता है तो इंदौर, मंडला, झाबुआ, ग्वालियर, जो भी दिया हो मैहर की जगह उसको आप लिख दीजिएगा मैहर। पूरे सम्मान के साथ मैं आप से प्रार्थना करती हूँ कि मैं काजल तिवारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर की विद्यार्थी हूँ, आई हैव पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट डिवीज़न, मैंने फर्स्ट डिवीज़न में कक्षा दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, बट आई हैव लास्ट माई ओरिजिनल मार्कशीट, किंतु मुझसे मेरी ओरिजिनल मार्कशीट खो गई है, काइंडली इशू मी अ डुप्लीकेट मार्कशीट, कृपया मुझे द्वितीय प्रति मार्कशीट प्रदान करें, डुप्लीकेट मार्कशीट प्रदान करिए, करने की कृपा करें, जारी करिए। माई डिटेल्स आर फॉलोइंग, मेरी जानकारी निम्नानुसार है, नेम ऑफ स्टूडेंट काजल तिवारी, जो नाम आए वो आप लिख दीजिएगा, नेम ऑफ स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर, मैहर की जगह जो नाम आए इंदौर, ग्वालियर, झाबुआ, मंडला, जो आए उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा, नेम ऑफ एग्जाम सेंटर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर, तो झाबुआ का है तो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ, इंदौर, ग्वालियर, जो भी हो वो आप लिख दीजिएगा, केवल वही शहर आना चाहिए जिस जो शहर क्वेश्चन में दिया हुआ है। रोल नंबर ये काल्पनिक है, आप कुछ भी रोल नंबर डाल दीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, 31 10 16 57 78 है तो 31 10 26 26 26 27 कुछ भी आप लिख दीजिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है। ईयर्स ऑफ एग्ज़ाम 1917 1918, आप कुछ भी यहाँ पास भी लिख सकते हैं, 1916 1917, जो चाहें आप यहाँ भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर कुछ भी आप लिख दीजिए 10 अंकों का, एड्रेस भी आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काजल तिवारी, डॉटर ऑफ विनोद कुमार तिवारी, ज्ञान कॉलोनी मैहर, ये 485771 पिन कोड नंबर है, आप कुछ भी एड्रेस लिख दीजिए अपने सुविधानुसार और नाम वही लिखिएगा जो क्वेश्चन पेपर में आया हो। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, इसमें माई डिटेल्स आर फॉलोइंग में नेम ऑफ स्टूडेंट काजल तिवारी, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो वो डाल दीजिए, इसको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये फॉर्मेट याद कर लीजिए कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स होगा, फिर नेम ऑफ स्कूल, फिर नेम ऑफ एग्जाम सेंटर, फिर रोल नंबर, फिर ईयर ऑफ एग्जाम, फिर मोबाइल नंबर, फिर हो जाएगा एड्रेस, इतना आप अपने मन से लिख दीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, यहाँ फिर डेट है 4th मार्च 2020, आप डेट भी कोई भी
लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना टू इशू यू स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एज यू हैव टू सबमिट इट इन द ऑफिस ऑफ एसपी फॉर योर सेलेक्शन इन पुलिस डिपार्टमेंट। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्रिंसिपल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना है क्योंकि आपका सिलेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया है, तो उसे एसपी ऑफिस में जमा करना है। दूसरे तरह से भी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, पहले मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, इस तरह का भी एप्लीकेशन आ जाता है परीक्षा में, इसलिए इसको भी बताना ज़रूरी है और इस तरह से भी आप याद कर लीजिए। बहुत परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा है, एक लाइन केवल अलग है, बस देखिएगा। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना MP, यहाँ जो स्कूल का नाम हो वो डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, ये क्वेश्चन से ही मिल जाता है आपको सब्जेक्ट, ये लिखा है इशूइंग यू स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट डिवीजन इन दिस ईयर। मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इस साल फर्स्ट डिवीजन में पास की हूँ। आई हैव बीन सेलेक्टेड इन द पुलिस डिपार्टमेंट, मेरा सलेक्शन चयन पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया है। आई हैव टू सबमिट स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इन द ऑफिस ऑफ SP, मुझे SP ऑफिस में स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना है, तो काइंडली इशू माई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। कृपया मेरी स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। थैंकिंग यू, बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ 4th March 2020 XYZ की जगह यदि नाम दिया है तो आप नाम दे दीजिए। इस वीडियो को भी आप रोक करके लिख लीजिए कॉपी पेन में, इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये भी, ये भी पूछी गई है परीक्षा में, जो परीक्षा में अधिकांशतः आई है उसी एप्लीकेशन को मैं आपको बता रहा हूँ। इसको भी आप वीडियो को रोक करके, इसको भी आप कॉपी पे ले करके लिख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, रोकने के बाद आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा कॉपी पेन ले करके। आपने यदि मेरा वीडियो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे अन्य परीक्षा उपयोगी वीडियो आपके पास सरलता से पहुंच जाए, आपको जानकारी मिल जाए। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आप उसको कर लीजिए। नीचे उंगली का निशान बना होगा, उसमें लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब लिखा होगा लाल अक्षरों से, उस महापास आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।